allow us to be grieved about it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلع عليه الشمس يوم الجمعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد जुमा का दिन है और उमर इस मौके पर मैं कोशिश करता हूँ कि जुमा ही के माध्यम से खिताब हो और जुमा की अहमियत हम लोगों को मालूम होनी चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस और यकीन पूरी दुनिया में आप कहीं भी मुसलमानों की आबादी है तो जुमा के दिन का रंग अलग हर चीज को छोड़कर मुसलमान बागारी लाने की तरफ हाजिर आता नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा सूरज निकलने वाले दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमा रिवायत में कहा गया कि ये मुसलमानों की ईद है उसमें क्या चीज नजर आती है इसी से पता चलता है कि इस्लाम कितना पाकीज़ा मुक़द्दस मज़हब है कहीं सैर और तफरी का माहौल यानी बिल्कुल मगर हर चीज से दूर रहकर दुनियादारी दुनिया के शौक म्यूजिक डांस रक्स गाने गीत इसी में वो सब मसरूफ रहते हैं पूरा दिन गुजारते हैं और कहते हैं कि ये हमारे दिन का दिन लेकिन इस्लाम अगर किसी दिन को ईद का दिन कहते तो 365 डेज में उस दिन का रंग जलवा दूसरे दिनों के मुकाबले बिल्कुल अलग होता इस्लामी अहकाम पर अमल करते हुए जब ईद मनाएंगे तो हमारे फेस्टिवल के दिन ना रंग मिलेगा ना धूम मिलेगी ना गीत मिलेगा ना रस मिलेगा ना नशा मिलेगा ना डांस मिलेगा गफलत नहीं मिलेगी तीन अहम दिन आप देख लीजिए ईद ईद उल फित्र ईद का दिन ईद अजहा ईद का दिन जुमा ईद का दिन ये तीन दिनों में आप देखें कि जो एक चीज नजर आती है कि बकिया और दिनों में मुसलमान वो नहीं करता लेकिन ये ईद के दिन वो करता नजर आ रहा है वो यही कि ईद उल फित्र का दिन अगर तो दुनिया देखती है कि आज ना तो मस्जिदों से आजादें दी गई हैं ना इकामत कही जा रही है लेकिन मुसलमान इबादत के लिए सर पे टोपी लगाए चला रहा है ईद अजहा के दिन कुर्बानी करने से पहले बारगाह इलाही में सजदा करने इबादत के लिए जुमा का दिन आ जाया बाकी 6 डेज को आप देख लीजिए 6 दिन को सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे इतनी तादाद में कभी मस्जिदों में मुसलमान नजर नहीं आते जितना जुमा के दिन इबादत के लिए तो पता चला इस्लाम जिसे ईद का दिन कहते हैं वो असल में इबादत का दिन होता है वो रस का वो नशे का वो नाफरमानियों का वो पैसों को बर्बाद करने का नहीं आतिशबाजियों का दिन नहीं है सैर तफरी घूमने फिरने का दिन नहीं है गफलतों का दिन नहीं वो इबादत का दिन ऐसे हमारा दिन है मेरे दोस्तों और मुसलमान ईद मिलाद मुसलमान कहते हैं 12 रबी अव्वल को हम ईदों की ईद कहते हैं तो जब ये दिन जुमा जिसे हमने ईद कहा हमने नमाज ना छोड़ी ईद उल फित्र को ईद कहा नमाज ना छोड़ी ईद अजहा को ईद कहा नमाज ना छोड़ी तो वो कैसा आशिक मुस्तफा होगा जो नारे रिसालत तो लगा रहा होगा जुलूस में मगर मस्जिदों से गुजर जाता है नमाज के लिए मस्जिद में ना जा रहा यही इस्लाह की जरूरत है उम्मत इस्लामी उन नौजवानों के लिए आओ अपने सदों में अपनी पेशानी पर सदों के चमक पैदा करो होना तो ये चाहिए कि जब दोहर का वक्त अगर या तो जुलूस का वो टाइम ही ना रहे तो इबादत का वक्त और अगर है तो उस वक्त जुलूस इस्लाम को जाना चाहिए उस वक्त सड़कों में लोग नजर नहीं आने चाहिए आने चाहिए तो सजदों में नजर आना चाहिए
ये जरूरी है दोस्तों, तब तो फिर मिलेगा रहमत का असर तब पैदा होगा जब तुम इताअत मुस्तफा करते नजर आओ। सिर्फ आज की उम्मत देश के लोग नारा लगाते नजर आ रहे हैं, आओ 1400 साल पहले के सहाबा ताबीन रिवायत को देखोगे तो वो नारा भी लगा रहे थे, रसूल के एक एक हुक्म पर अमल करते रहे। यही वो लोग थे दोस्तों, आज तुम्हारी राहों में मुश्किल आ रही, रुकावटें आ रही, तुम्हें रोका जा रहा, तुम्हें परेशान किया जा रहा, तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे रास्ते आ जाते हैं, तुम सोचते हो कि हम चले तो कैसे चले, आगे बढ़े तो कैसे। याशिफा ने मुस्तफा, उलमा ने मुस्तफा, या गरीब नवाज गौसे आजम के चढ़ने वालों का रास्ता कोई रोक सकता नहीं, तो गौसे आजम के चाहने वाले बनते हो वो नहीं। तुम गरीब नवाज के नियाज नंगर को करने के बाद समझते हो कि बस माशे में नहीं, जब तक कि तुम शरीयत मुस्तफा पर अमल ना करोगे सच्चे चिश्ती नहीं बन सकते, सच्चे पादरी नहीं बन सकते, इसीलिए तुम्हारी राहों में रुकावटें आती हैं। वरना वो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इताअत मुस्तफा रसूल के एक एक हुक्म पर अमल किया, सुबह से लेकर शाम तक कोई हुक्म खुदा छूटे ना, सुबह से लेकर शाम तक रसूल के किसी हुक्म की नाफरमानी ना हो, जब ऐसा करोगे तो रास्ते रुकेंगे नहीं बल्कि तुम कहते नजर आओगे जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, कोई दरिया तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता, कोई मुसीबतों के पहाड़ तुम्हें नहीं रोक सकते, तुम्हारे कदम को नहीं रोक सकते। मुसलमानों, जुमा का दिन तुम्हारे बीच आया, यही पैगाम लेकर आया तिबा तिबा। अब जो लोग हाजिर आए इस पद से आए, ये मुसलमान ये इतने सर, इसी को मैं कहता हूं इतने सर जुमा के वक्त इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्यों आए हो, किसने बुलाया, नहीं आते तो क्या तुम्हारा नुकसान है, बोले नहीं अल्लाह का हुक्म है। यहां पर आके ऐसा तो है कि तुम्हें पैसा मिला हो, तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए गए, तुम बीमार थे शिफा आते ही शिफा लेके जाते, बताइए मिलने वालों को अल्लाह अता भी कर, लेकिन अब दूसरे मकसद क्या आ रहा है, कुछ सोच तो होगी ना, जुम्मा में आए कहोगे अल्लाह का फर्ज करा दिया, ये नमाज फर्ज है हमारे घर से भी हमारे। तो मेरे दोस्तों जितने सब इस वक्त नजर आ रहे हैं अभी और आए, इन सबका इस वक्त रब की बारगाह में झुकना फर्ज, नमाज फर्ज। लेकिन याद रखना ये सारे सरों का 3 घंटे के बाद असर के वक्त भी झुकना फर्ज है, मगरिब में भी झुकना फर्ज है, इशा की भी नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, हफ्ते में सिर्फ एक वक्त की नमाज ही फर्ज है। मांगोगे रब से रोजाना बरकत, रोजाना रहमत, रोजाना घर बैठ के कहते हो कि हमें भलाई चाहिए, इस रंग में चल रहे हो तो मुसलमान तो जुमा में आने वाले अगर ये असम करके आए हैं कि अल्लाह अब तक बड़ी नापरवाही चली जा रही, हम इस लायक नहीं है कि मौला कि तू हमें अता करे, तेरी अता पाने के हम लायक, तू रहमान रही, हम तेरे बंदे मौला, ये तेरा करम है कि तू नवाजता चला जा रहा, मगर मौला अब हमें तौफीक अता, सबसे बड़ी दौलत को तोहफी दो, न ये सोना न ये चांदी न ये फैक्ट्री के माल न ये रिश्तेदार न ये औलाद न ये गाड़ियां न ये बंगले ये धन दौलत कुछ काम नहीं आने वाली। यौम ला यन्फ़ौ मालुम वला बनून, अल्लाह तुझे खुद फरमाया एक दिन वो आएगा न ये माल काम आएंगे न ही ये औलाद काम आएंगे, जिसके लिए हम यही मानते हैं जिसको हम इतना परवरिश करते हैं, उसकी जिसकी परवरिश में सारी जिंदगी लगा देते हैं, ये काम नहीं आने वाला। इल्ला मन रतवाह बिकल्बिन सलीम, अल्लाह फरमाया सिर्फ सुधरा दिल लेकर आने वाला काम है, सिर्फ सुधरा दिल। तो मौला उन्हें धन दे दिया, दौलत दे दिया, औलाद दी, आसाइश दी, आराइश दी, हर तरह की राहतें दी है मौला, अब उतनी इबादत
इबादत की तौफीक मिली। मतलब बड़े महरूम हम होंगे इस सब कुछ मिलने के बाद वो तौफीक ना मिली। जुमा में आने वाला है, ये नियत करके आया है, मौला तुम्हें जुमा में बुला लिया है, अब असर में भी बुला लिया, मगरिब में भी बुला लिया। दोस्तों अगर तुम्हें समझना है तुम्हारा जुमा में आना कबूल हुआ है कि नहीं, अगर वाकई तुम सच्चे दिल से इस वक्त तौबा कर रहे हो कि अब आने वाली असर की नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी, किसी वजह से मस्जिद में नहीं आ सके, हम अपनी शॉप में पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, कहीं रास्ते में कोई मिला वहां पढ़ लेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं नमाजों को, अगर ये असर को इरादा कर रहे हो तो समझ लो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम और कीमती जुमा बन रहा है। अब तक तो तुम सिर्फ आए हो चले गए हो, कुछ नहीं मिला, लेकिन सच्चे दिल से तौबा एक बार कर दो, पता नहीं आने वाला असर का वक्त कभी मिलता नहीं है, आने वाली घड़ियां बीती नहीं है। अगर तौबा हमने कर ली है, रब ने मगफिरत फरमा दी है, अब अगला वक्त भी नहीं मिला, हम बख्शे बख्शाए तो क्या सकते हैं, कि रब कदीर अताई तो मिनल दम के कमला फंदला, उसका महबूब मोहम्मद मुस्तफा हमारे ने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने तौबा किया ही नहीं, गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह ऐसा पाक कर देता जैसे गुनाह किया ही नहीं। ये सच्ची तौबा की बरकत है, किसी के मुसलमान नौजवान इबादतों की तरफ आओ, इबादतों से अपने घरों अपने महलों अपनी आबादियों को सजाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है। जुमा इसी मैसेज को लेकर आया, इसी पैगाम को लेकर जुमा आया है, देखो इस दिन तुम कहां इधर उधर रहते थे, आज जुमा ने तुमको जमा किया है, ये सोचो क्यों आए इबादत के लिए आए, ये इबादत असल मगरिब इशा और फज्र के लिए तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अब देखिए हजरत अली भी फरमाते हैं यही तरीका, लोग हजरत अली उनकी कदमों में हम सबके जाने पर मौला अली जिन्हें सरकार ने कहा हो कि तुम सबके मौला सबके महबूब, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर कैसे सहाबा जिन्हें कहते हो लबैक कहते हो, ये बात मुबारकबादियां देते हैं, क्या मोहब्बत आपस में सहाबा की, एक दूसरे के लिए जान लुटाने को तैयार, और आज सहाबा के मानने वाले ये बड़े ये छोटे करके अपनी आखिरत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है मुशायरात सहाबा में ना पड़े, सहाबा के आपस में अगर कोई इख्तलाफ हुआ है तो इसमें हमें नहीं पड़ना, हजरत अली आपके साथ हैं हम उनके साथ, मेरे खुद को लेकिन अगर हजरत अली के मुकाबले में भी कोई आया है तो उसे बुरा कहने का हक हमें नहीं। चार इमाम हैं, पहले सुन्नत वल जमात में शाफी हनफी मालिकी हम्बली, नमाज के पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग, सही कोई एक ही होगा ना जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सही है अभी कोई पता भी नहीं कि सही कौन, वो भी रात रात में खुलेगा, हम जिसकी इत्तबा कर रहे हैं उनको सही समझ के कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शाफी हनफी को हनफी मालिकी को मालिकी हम्बली को बुरा कहना शुरू करते, क्योंकि इमाम शाफी ने इस्तिहाद किया, इमाम मालिक ने भी इस्तिहाद किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इस्तिहाद किया, इमाम यादव अबू हनीफा ने भी इस्तिहाद किया, चारों ने अपनी अपनी कोशिशों से बताया नमाज क्यों पढ़नी, अपने अपने इल्म के मुताबिक अपने रिसर्च के मुताबिक बताया, उनके पास जो हदीसें पहुंची उसकी रोशनी में बताया, इसी को इस्तिहाद कहते हैं, और इस्तिहाद करने वालों की शान ये होती है कि वो जो कर रहे हैं वो खुदा को राजी करने के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही समझ के कर रहे हैं, उनकी अपनी नफ्सानियत इसमें दाखिल नहीं होती। अब अगर जो उन्होंने रिसर्च किया जो इस्तिहाद किया अगर वो खुदा के नजदीक भी सही है तो अल्लाह ताला डबल अजर देता है, और दूसरे तीन अइमा अगर वो गलत है उस मामले में तो भी अल्लाह ताला उनको उनके इस्तिहाद का अजर दे, एक अजर उन्हें भी मिलेगा कि उन्होंने खुदा के राजी रखने के लिए कोशिश की, एक मसला बताया तो जो दुरुस्त उस वक्त उसे डबल अजर मिल गया, जो सवाब को पहुंच गया उसे डबल अजर मिल गया, जो को पहुंच गया जो नहीं पहुंचा उसे भी अजर मिला। सहाबाए किराम दोस्तों ये भी सब मिलते हैं, यहां तक कि अगर इनकी आपस में जंग भी हो गई वार भी हो गया तो ये जंग कर रहे हैं ये भी समझ के कि मैं सही हूं, ये जंग कर रहे हैं तो ये भी समझ रहे हैं कि मैं सही हूं, अल्लाह के नजदीक जो सही उसे डबल अजर मिलेगा।
लेकिन तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं है। सहाबा के बाद से इसीलिए उलमा ने फरमाया, रहनुमाओं ने फरमाया, मुर्शिदीन ने फरमाया, उनके आपस के इख्तलाफ में तुम मत पड़ो। तुम्हें सब की तारीफ करनी, तुम्हें सबका एहतराम करना, सब अजर पढ़ने वाले, क्योंकि एक ही साहबी ऐसा नहीं होगा जो अपनी नसानियत के लिए अपने लिए अपने कदम को बढ़ाता। वो अगर जब भी कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं कि मैं सही हूं और मुझे खुदा के लिए करना चाहिए, मुझे अल्लाह के रसूल के लिए। तो हजरत मौला की इशार बयान नहीं की जा सकती दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान नहीं की जाती, पूरी पूरी रात तभी बोलते तभी पूरी नहीं हो। हुजूर मोहदीस यादव ने एक शेर में कह दिया, मुसलमिन लिखने पे आए किताबों की किताब लिख देंगे बात पूरी नहीं हो। महीनों तकरीर कर दीजिए हजरत अबू सिद्दीक की शान नहीं जाएगी मुकम्मल। मोहदीस यादव ने क्या फरमाया, मरतबा हजरत सिद्दीक का ये है सही। मरतबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत पे। सुभान अल्लाह एक ही शेर में पूरी बात है, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मेरे दोस्तों सरकार मौला अली का करम सफर उनका एहसान है इस दुनिया में, हसन हुसैन की शक ने रब तभी जो खानदान दिया ये मौला अली का खानदान है। का जो फैज बढ़ रहा है उसमें मौला अली शामिल। हम नहीं किसी को ऊपर कर सकते हैं किसी को नीचे कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी जगह फजीलत है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ये अफजल बशर पाकर नाम दिया है, सबने तस्लीम किया है। हजरत अली को मौला, सारे सहाबा ने तस्लीम किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल बशर, ये भी इत्तेफाक की राय से। दोस्तों उन चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। जब तक ये नारा लगता रहेगा शैतान मायूस होता रहेगा। लेकिन आओ हजरत अली की बारगाह में पूछो, ये मौला आप किस दिन को ईद का दिन कहते हैं? तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, जिस दिन हमसे अल्लाह की कोई नाफरमानी ना हो वो हमारे लिए ईद का दिन। तो आशिकाने अली मुर्तजा, अगर तुम सच में ईद का दिन मना के हजरत अली को राजी करना चाहते हो तो छोड़ दो सारे गुनाह, निकल आओ कतों के माहौल से बाहर, आओ किताब और इबादत की तरफ आ जाओ, तुम्हारा हर दिन ईद का दिन बन जाएगा। ये ईद का दिन दोस्तों, ये बुजुर्गों ने हमको तालीम दी है, ईद का दिन अगर है तो वो नाफरमानी से बचे, आओ इबादत की तरफ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ यही। हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पाया, कितनी इबादतें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से मैं माहौल बहुत बदला, अब मस्जिदें भी बहुत सी आबाद रही हूँ, ये भी देखने में, और खुदतर उसमें नौजवानों ने हिस्सा लिया। ईमान और अकीदे की इबादत के साथ आओ, आपने सवाल आए आओ तब तुम्हें मिलेगा इस प्यारे दीन का युद्ध। आओ सज्जे में जब झुक के तुम कहोगे सुभान अल्लाह, पाक है मेरा रब ताला, बुलंद है बरतरों पाया। जब तुम तो झुका के पांच वक्त कहोगे तो कुरान तुम्हें भी कहता नजर आ रहा है कि तुम अल्लाह को आला कह रहे हो और अल्लाह का आला अल्बुल आला। तब तुम्हें बुलंदी मिलेगी जब तुम सच्चे मोमिन हो जाओगे, मोमिनी जब तुम सच्चे मुसलमान बनोगे तब तुम्हें बुलंदी मिलेगी। सारी चीजें छोड़ के बुलंदी
होने की तलाश कर रहे हो, तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा हो, नहीं, इस आजमाइश से तुम्हें उत्तर नहीं होगा। सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ी फाइट जो हमें करनी है, किसी कौम से नहीं करनी, हमें किसी मुल्क से नहीं लड़ना, हमारा दुश्मन कोई नहीं है इस धरती का, सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान जो हर वक्त हमसे लड़ रहा है, हर वक्त हमको शिकस्त दे रहा है, हमको पता ही नहीं। हम अपने घर गए, माँ बाप जैसी नेमत मौजूद है, हमने माँ बाप का भी एहतराम नहीं किया, शैतान जीत गया, असर का वक्त आके निकल गया, हम नमाज के लिए नहीं आए, शैतान जीत गया, हमने बीवी का हक अदा नहीं किया, शैतान जीत गया, बच्चों की सही परवरिश नहीं की, शैतान जीत गया, हमने तिजारत में धोखेबाजी की, शैतान जीत गया, हमने रिश्ते हलाल हासिल नहीं की, शैतान जीत गया, हमने हम नशे की तरफ चले गए, शैतान जीत गया, हमने कीमती अपनी धन दौलत को फजूल खर्ची में लुटा लिया, शैतान जीत गया, तो लगातार शैतान हमसे जीत रहा, तो रहमान हमारा रब हमें बुला रहा, आप अपने दुआ इधर आ, तू दीन की तरफ आ जा, तू शैतान मुझसे हारता नजर आएगा, क्योंकि अभी तुझे अल्लाह की मदद नहीं मिल रही, लेकिन जिस दिन तू नमाज इबादत के साथ इस दीन की मदद करने लगेगा, तो मेरा ऐलान है ये तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम खुदा के दीन की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। पैदा करो अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो हौसला, वो नीयतें लाओ, वो सोच लाओ कि तुम्हारी अब आगे की जिंदगी इबादत वाली जिंदगी। हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम सब अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक सब करते जाएं, हर काम इबादत होता है। आज जुमा आया था, इसी पैगाम को लेकर सिर्फ बिना सोचे जुमा के दिन उठे, नमाज गुस्ल किया, कपड़ा पहना, इधर लगाया, मस्जिद में आए, टोपे लगा के वापस हुए, टोपी उतरी तो एक हफ्ते बाद आए। क्या है जुमा का मकसद ही तुमने सुना? मैं से जब जुमा को एडॉप्ट करके कहीं जैसे आए थे वजीर लौटे, इबादत का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे जगा दिया। दूसरा मैसेज वो इत्तेहाद, जुमे जमा किया, तो जुमा में जमा कर नस पाएगा, जुमा का मतलब ये जो सब कुछ जमा कर रहा है, यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, ताउन, कोऑपरेशन, ये सारा दर्द आपको जुमा की नमाज में मिला। आप अपने घरों में जब हो तो अलग नजर आ, सबके स्टेटस अलग, रुतबे अलग, सबका रहन सहन का अंदाज अलग, सबके दस्तरखानों पर नेमतें अलग। जब तक अपने घरों में हो खुदा के घर से बात, और ये भी तय है कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर हाउस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, बादशाह का घर हो, बड़ी कोठियां हो, बड़े बड़े बंगले हो, संगमरमर तमाम किस्म के टीम की सामान उसमें सजे हुए हो, लेकिन खुदा के घर से ज्यादा मरतबा किसी घर में एक छप्पर की भी होगी झोपड़ी ना कोई मस्जिद होगी ना, तो भी वो उस शहर के बादशाह के घर से ज्यादा महान। तो सबसे बड़ा दरबार ये खुदा का दरबार, जब तक तुम खुदा के दरबार और खुदा के घर से दूर थे, तुम्हारे जीने बहने उठने बैठने चलने फिरने हर चीज में फर्क नजर आ, जिस चेयर पर बॉस और चेयरमैन बैठा, चपरासी इसी जगह पर चपरासी की ड्यूटी देने वाला, वो कभी सोच नहीं सकता कि मैं उसमें बैठूं, मालिक मौजूद है तो सवाल ही नहीं, मालिक नहीं तब भी नहीं बैठने की हिम्मत उसकी। फर्क है, खाने पीने का माहौल देखोगे तो किसी के यहां बिरयानी हो, किसी के यहां सुबह कोई वेज खा के आ रहा है, कोई नॉन वेज खा कर आ रहा है, कोई एक खा कर आ रहा है, लज्जतदार। ऐसे भी लोग होंगे सूखी रोटी जिन्होंने अपने बच्चे को सिगरेट ला के दे दी, अभी लौटे के घर पे कोई दाल रोटी खाएगा कोई अच्छा खा रहा है, पर हमारे अपने जिस्मों पे जो कपड़े हैं कुछ कीमती कपड़े होंगे और कुछ पैबल लगा भी होगा, जो चप्पल जूते पहन के हम आए हैं उसमें भी फर्क नजर आ रहा होगा कि कीमती होगा, किसी के पास सिर्फ स्लीपर हवाई चप्पल होगी, तो कोई ऐसा भी होगा कि फटी चप्पल या चप्पल ही के बल आया, कोई बेहतरीन गाड़ी से आया है, कोई ऑटो रिक्शा से आया है,
जब वापस होगा तो कोई अपने छोटे से मकान किराए के मकान में जाएगा, कोई बंगले में जाएगा, और जाने के बाद सब आना। अब मालदार जहां बैठता वहां गरीब नहीं बैठे। हमने अपना अपना अलग अलग स्टेटस बना के रखा है अपने अपने घरों में, लेकिन जब दुनिया के सबसे मर्तबे वाले, सबसे बड़े दर्जे वाले, सबसे बड़े महल, सबसे बड़े दरबार में हम आते, तो चप्पल छोड़ने के बाद ही ये मंत्र नजर आता है कि करोड़पति के बगल में एक ऋषि वाला खड़ा। ऐसा भी मंत्र नमाज की हालत में अल्लाह ताला दिखाता है कि जहां पर एक लखपति का, एक मिस्टर का सर नजर आएगा, उसी के आगे किसी फकीर का पैर नजर आएगा। तो ये डिफरेंस को मिटाने की जगह है नमाज का, इबादत का, खुदा की मस्जिदें। ये फर्क को मिटाने के लिए खुदा ये दिखाना चाहता है कि सगा भाई भी हफ्ते में एक बार इस तरह कांधे से कांधा मिला के खड़ा अपने घर पे नहीं होता है, मगर खुदा के घर में आता है तो ये गल्लाव कहने वाला मुसलमान है और उसके बगल में उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान खड़ा हुआ। कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई प्रतिकारा का ताल्लुक है, ना एजुकेशन का ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं, बस ताल्लुक है इसके दिल में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके दिल में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुसलमानों को इत्तेहाद का पैगाम मिलता है जुमा का। जुमा में उस सारे फर्क को मिटाकर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारे बगल में एक बहुत बड़ा आवाज है, ये चीजें नहीं आना। तो ऐसी खुदा के घर से बाहर निकलते हो तो क्यों भूल जाते हो, क्यों समझते हो कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, क्यों समझते हो कि नहीं वो हमारे बराबर कैसे खड़ा हो गया है, ये साफ बात क्यों आता है अल्लाह को जुबा के बुला कर तुम्हारे इसी एहसास को सुधारना, इसी की इसलाह जुमा के दिन तुम्हारे कराई जा रही है। तो जिस तरह तुमने जहाँ इतिहाद और जुनीजी का मंत्र देखा ये हमेशा रस्म लेकर हमारा सारी दुनिया के मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म वालों सब जितने मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा यहाँ से लेके मस्जिद से मगरिब तक शमाल से जनूब तक सदाई का फर्क एक जिस्म की तरह, हम सब अलग अलग नहीं हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने जिस्म के हिस्से को कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए पड़ोसी पड़ोसी के साथ मोहब्बत से रहे, भाई भाई के साथ मोहब्बत के साथ, एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले के साथ मोहब्बत से रहे। तुर्की में, सीरिया में, हजरात के वहाँ पर ममालिक में मुकदला आया, इतने लोग इसका शिकार हो गए, हमें इसका एहसास होना चाहिए क्योंकि हम सब एक जिस्म है, हमारे एक जिस्म किसी उंगली को भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को एहसास होता है, इसलिए उनके दर्द को हम महसूस करें। हम कोई तारू पानी पेश कर सकते हैं मगर ये कर सकते हैं कि 24 घंटे एक बार दो बार नमाजों में हर बार अपने हाथों को उठाए रखा है अल्लाह ताला, उन्होंने जो नुकसान उठाया उसका बदला उठाया, अल्लाह उन्होंने इस जमा को ऐसे दराजे से महफूज फरमाया। इत्तेहाद और इबादत दो पैगाम देने के लिए आपको बुला रहा है, जुमा के दिन जो एहसास लेकर आया है कि अब हमें इबादत में जिंदगी गुजारना और हमें कोई फर्क नहीं, कुछ काम नहीं आने वाला आज तक, इसलिए हम सब बराबर हैं, हमारा कोई भाई नहीं परेशान होगा, हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, हम सब एक हैं। अल्लाह ने हमें अगर दौलत दी है तो हमारा इम्तिहान है कि हम सही शुक्र अदा भी करते हैं, अगर दौलत नहीं दी है तो हमारा इम्तिहान है यानी गरीब है तो उसका इम्तिहान है कि वो सब करता है कि नहीं करता। तो जब इम्तिहान में अमीर भी है, इम्तिहान में गरीब भी है, तो कैसे हम समझते हैं कि हम ऊंचे हैं वो नीचा, दोनों के इम्तिहान में ऊंचा नीचा तो वो होगा जो इस इम्तिहान में कामयाब रहा है। सब नाकाम हो इल्ला